हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम इस वीडियो में मोर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड है, मीन्स जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बता दें हम किस किस सेक्शन का बात करेंगे। तो जो अपना सेक्शन 300 है, जिसमें कि अर्थवर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो नॉन ब्यूटीमीनियस सब बेस एंड बेस है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो 500 सेक्शन का जो ब्यूटीमीनियस बेस एंड सरफेस कोर्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो 600 पे है कंक्रीट पेमेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे ये 600 सेक्शन तक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कि इस वीडियो में आपको अर्थवर्क और नॉन ब्यूटीमीनियस सब बेस और बेस का जो पार्ट है उसको करेंगे। और एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें कि ब्यूटीमीनियस बेस एंड सरफेस कोर्स और कंक्रीट पेमेंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं अर्थवर्क के ऊपर। और अर्थवर्क में क्या आता है, दो चीज़ें रहते हैं अर्थवर्क में, एक तो अपना इम्बैकमेंट और दूसरा सबग्रेड। ठीक है, तो इम्बैकमेंट और सबग्रेड का डिफरेंस क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो सबग्रेड जो रहता है, सबग्रेड का एक फिक्स्ड लेयर दिया गया रहता है कि अपने को सबग्रेड इतने फिक्स्ड लेयर पे डालना है सबग्रेड। ठीक है, और जो इम्बैकमेंट रहता है, इम्बैकमेंट का कोई फिक्स लेयर नहीं रहता है, कोई फिक्स डेप्थ नहीं रहता है, थिकनेस नहीं रहता है। ठीक है, वो है ना अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, वहाँ के जो नेचुरल प्रोफाइल, लैंड का प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे वेरी करता है ना। तो इम्बैकमेंट अगर आप जानेंगे ये है क्या, तो जो सबग्रेड का बॉटम लेवल होता है, सबग्रेड का बॉटम लेवल तक पहुंचने के लिए जो हमको अर्थ का फिलिंग करना पड़ेगा, जितने भी अर्थ का फिलिंग करना पड़ेगा, मीन्स सोयल का फिलिंग करना पड़ेगा, वो सारे अपने इम्बैकमेंट के लिए इम्बैकमेंट कहलाएगा। और उसके बाद जब हम सबग्रेड बॉटम में आ जाएंगे, बॉटम लेवल पे, उसके बाद हम सबग्रेड का लेयर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक कि इम्बैकमेंट और जो सबग्रेड है वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसका देखते हैं जो क्राइटेरिया है, जो भी वो क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्क बोल रहा है कि इम्बैकमेंट अप टू 3 मीटर हाइट, नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लॉडिंग। अगर 3 मीटर हाइट तक का अपन को इम्बैकमेंट का फिलिंग करना है, तो यहाँ पे अब आप सभी का जो इम्बैकमेंट और सबग्रेड था ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ वर्क में, है ना। इम्बैकमेंट अप टू 3 मीटर हाइट, नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लॉडिंग जो है। तो यहाँ पे जो अपने को मैक्सिमम लेबोरेटरी ड्राई यूनिट वेट, जिसको हम MDD बोलते हैं, वो अपना 15.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर उस मटेरियल का रहना चाहिए। उसी मटेरियल को अपन 3 मीटर हाइट तक का इम्बैकमेंट फिलिंग करना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्बैकमेंट एक्सीडिंग 3 मीटर हाइट और इम्बैकमेंट ऑफ एनी हाइट सब्जेक्टेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इनअंडेशन। तो इसके बाद इसके लिए अपने को नॉट लेस देन 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर का जो ड्राई डेंसिटी होता है मटेरियल का, ड्राई यूनिट वेट, वो अपने को मटेरियल का रहना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो अपना सबग्रेड एंड अर्थन शोल्डर्स, ब्लैक फिलिंग, ये सब के लिए जो हम यूज़ करेंगे मटेरियल, उसका जो है ड्राई यूनिट वेट अपना रहना चाहिए नॉट लेस देन 17.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कंपैक्शन रिक्वायरमेंट। ये तो था डेंसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ इम्बैकमेंट एंड सबग्रेड मटेरियल, अब देखते हैं कंपैक्शन रिक्वायरमेंट फॉर इम्बैकमेंट एंड सबग्रेड लेयर। कंपैक्शन अपने को कितने करना है वो अब देखते हैं। तो जैसे कि सबग्रेड एंड अर्थन शोल्डर के लिए नॉट लेस देन 70% जो अपने पास ड्राई डेंसिटी आएगा लेबोरेटरी में, जो ड्राई डेंसिटी मटेरियल का निकालेंगे, उसका 97% कम जो है डेंसिटी अपने को फील्ड पे भी अचीव्ड होना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपर कंपैक्ट होगा बेड। उसके बाद इम्बैकमेंट के लिए नॉट लेस देन 95% जो अपन
अपना लेबोरेटरी में ड्राई डेंसिटी निकालेंगे मटेरियल का, उसी के उसका 95% अपने को डेंसिटी फील्ड पे भी अचीव होना चाहिए, तो वो अपना एम्बैकमेंट में यूज़ कर सकते हैं, वो एम्बैकमेंट का कंपैक्शन सही रहेगा। उसके बाद जो अपना है यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सपेंसिव सोयल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंसिव सोयल अपन कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी एक क्राइटेरिया है कि जो सबग्रेड एंड 5 mm पोर्शन जस्ट बिलो द सबग्रेड, अपना सबग्रेड का जो भी थिकनेस है उसमें तो अपन एक्सपेंसिव सोयल यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्ले, ब्लैक कॉटन सोयल ये सब। उसके बाद सबग्रेड के 500 डाउन तक, मीन्स सबग्रेड से भी 500 mm डेप्थ में नीचे भी अपन एक्सपेंसिव सोयल को नहीं यूज़ कर सकते, उसके रिमेनिंग नीचे, उसके नीचे पोर्शन में अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एम्बैकमेंट में 90-95% उसका कंपैक्शन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब कुछ और देखते हैं, अर्थवर्क के फिजिकल रिक्वायरमेंट देखते हैं ऑफ अर्थ यूज्ड फॉर एम्बैकमेंट सबग्रेड एंड अर्थन शोल्डर में। लिक्विड लिमिट जो है शुड नॉट एक्सीड 50%, जो लिक्विड लिमिट होता है अपना, प्लास्टिक इंडेक्स होता है ना, ये सारी चीज़ जो है अपन कैसे ग्रैंडा अपरेटस जो होता है उसके हेल्प से अपन ये कैलकुलेट करते हैं, है ना। लिक्विड लिमिट अपना नॉट एक्सीडिंग 50% होना चाहिए, प्लास्टिक इंडेक्स जो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है PI जिसको बोलते हैं, वो भी शुड नॉट एक्सीड 25%, फ्री स्वेलिंग इंडेक्स जो है शैल नॉट एक्सीड 50%, और फ्री स्वेलिंग इंडेक्स 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सबग्रेड के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें फ्री स्वेलिंग इंडेक्स बहुत ही कम रहना चाहिए, नॉट परमिटेड करके लिखा है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ही कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, है ना। उसके बाद एक्सपेंसिव स्वेल अपन यूज़ नहीं करते, इसलिए सबग्रेड में नहीं के बराबर ही फ्री स्वेलिंग इंडेक्स रहना चाहिए। उसके बाद साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन एम्बैकमेंट, जो हम एम्बैकमेंट यूज़ करेंगे, एम्बैकमेंट में जो कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 75 mm है, 75 mm से ज़्यादा क्या जो एग्रीगेट साइज़ है अपन एम्बैकमेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही सबग्रेड का अगर बात करेंगे तो साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन सबग्रेड जो है वो शैल नॉट एक्सीड 50 mm, 50 mm से ज़्यादा बड़ा एग्रीगेट हम सबग्रेड के बेड में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि नन ब्यूटीमीनियस सब बेस एंड बेस कोर्स, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। इसमें आएगा अपना ग्रैनुलर सब बेस, जिसको GSB, WMM, WBM ये सारे चीज़ें इसमें आते हैं। तो इसका जो ग्रैनुलर सब बेस है, इसका जो मेन होता है ग्रेडेशन होता है। तो ग्रेडेशन से क्या होता है कि इससे अपन को पता चलता है कौन से ग्रेडिंग का जो मटेरियल है वो कौन से ग्रेडिंग का मटेरियल है, ठीक है। और इसमें एक जो परमानेंट फीचर्स है, परमानेंट सिग्निफिकेंट ये है कि जो अपना ग्रैनुलर सब बेस में जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे, एग्रीगेट यूज़ करेंगे, वो 75 mm से नीचे रहना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेडिंग 3, ग्रेडिंग 4 सभी में दिख रहा है कि 75 mm में 100% पासिंग बता रहा है, मतलब 75 mm से बड़ा तो रहना ही नहीं चाहिए, उससे नीचे का ही ग्रेडिंग चाहिए अपन को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है ये टेबल बना है, IS सीप डिजिग्नेशन है, तो इसमें सीप का जो अरेंजमेंट बताया गया है कि अपने पास अगर ग्रेडिंग 1 का देखेंगे तो 75 mm सीप से 100% पासिंग रहना चाहिए ग्रेडिंग 1 का मटेरियल। उसके बाद जो 53 mm सीप आएगा वहाँ पे 80-100% पास हो जाना चाहिए, है ना। और उसके 26.5 mm जो है वहाँ पे 55-90% के बीच में पास हो जाना चाहिए। उसके बाद 9.50 mm का सीप में 35-65 mm जो है परसेंटेज पास हो जाना चाहिए। उसके बाद अपना 4.75 में 25-55% पास होना चाहिए, 2.36 में 20-40% पास हो जाना चाहिए। उसके बाद 0.425 mm में 10-15% पास हो जाना चाहिए। और जो नीचे जो पैन में आता है जो लास्टली बचता है उसमें 5%, जो नियरली 5% पास हो जाना चाहिए, मीन्स अपना जो डस्ट रहता है इसमें नियरली 5% ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ग्रैनुलर सब बेस में, ठीक है। तो ये इसका ग्रेडिंग चार्ट है, इससे आप जब आप मटेरियल को ग्रेडिंग करेंगे तो इससे आप ये पता लगाएंगे कि आपका मटेरियल कौन सा ग्रेडिंग का है, और जो कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पे दिया रहेगा कौन सा ग्रेडिंग का मटेरियल आपको यूज़ करना है, तो उससे आपका मटेरियल का जो ग्रेडिंग और जो ग्रेडिंग यूज़ करना है वो दोनों मैच करना चाहिए, तभी जाके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ, इसके बाद अब ग्रैनुलर सब बेस का और भी फीचर्स है, जैसे कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो कि 40% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए, AIV जिसको बोलते हैं। और लिक्विड लिमिट जो होता है ग्रैनुलर सब बेस का, वो मैक्सिमम 25% रहना चाहिए। उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है मैक्सिमम 6% रहना चाहिए। और जो CBR वैल्यू 98% मीन्स, जो उसका CVR एट 98% ड्राई डेंसिटी, मीन्स जब अपना उसका ड्राई डेंसिटी 98% ड्राई डेंसिटी पे उसका CVR चेक करेंगे, तो वो मिनिमम 30, मतलब 30 तो उसका CVR वैल्यू 30% तो आना ही चाहिए। और अगर कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट में रिवाइज़ किया रहता है, कुछ चेंजेस रहता है, तो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका आना चाहिए। उसके बाद अब ये तो अपना ग्रैनुलर सब बेस का हो गया। उसके बाद वेट मिक्स मैकाडैम का अगर देखा जाए, जिसको सब बेस भी बोलते हैं या बेस कोर्स, तो वेट मिक्स मैकाडैम का फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर वेट मिक्स मैकाडैम फॉर सब बेस बेस कोर्स, तो इसमें टेस्ट होता है लॉस एंजेलिस एब्रेशन वैल्यू होता है, जिसका अपना 40% इसका रिक्वायरमेंट रहता है मैक्सिमम। उसके बाद एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आप कर सकते हैं। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो है वो 30% मैक्स रहना चाहिए, और कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स जो होता है वो अपना 35% मैक्स रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेट मिक्स मैकाडैम का जो ग्रेडेशन है वो सिंपल रहता है, ये ग्रेडेशन है इसका। इस ग्रेडेशन में आप यहाँ से एक चीज़ और आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो ग्रेडेशन वेट मिक्स मैकाडैम में जो मटेरियल यूज़ होगा, एग्रीगेट यूज़ होगा, वो 53 mm से 100% पासिंग रहना चाहिए। मीन्स 53 mm से ज़्यादा का साइज़ का एग्रीगेट नहीं यूज़ होता है वेट मिक्स मैकाडैम में। तो ये सारे चीज़ हैं, ये रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। अब इसके बाद ब्यूटीमिनियस बेस जो है, तो हम इसको आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में उसको बना के फिर देते हैं, फिर उसको भी देखिए। तो ये सारे चीज़ हम जो भी है, ये अपना वेट मिक्स मैकाडैम जो है 406 जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा। ग्रैनुलर सब बेस जो है 401 सेक्शन में मिलेगा, है ना। उसके बाद जो अपना सब ग्रेड का है वो 305 में मिलेगा। तो ये सेक्शंस हैं, मोर्थ के सेक्शन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे जो है वहाँ से स्पेसिफिकेशन जो गाइडलाइन मिलते हैं उसी के जो यूज़फुल चीज़ें वो यहाँ पे हम कलेक्ट करके प्रेजेंट किए हैं। तो इसमें आपको WMM तक का जो मिल गया है, और इसके बाद का जो है हम ब्यूटीमीन का, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।